जय दोस्तों, उज्ज्वल परिवार फिर हाजिर भाई आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के, और शुरू करते हैं आज की क्लास। लेते हैं पहला ही क्वेश्चन भाई। चलिए भाई, एक शब्द चर्चा में आजकल आपका, और शब्द का नाम क्या है? विसिंग। विसिंग शब्द चर्चा में, इसका संबंध किससे है? विसिंग। विसिंग शब्द चर्चा में है, इसका संबंध है। एक्चुअली बात करें तो विसिंग शब्द का संबंध, सीधी सी बात करें तो हम किससे, इसका जो कह सकते हैं कि जो फ्रॉड टाइप के आपके पास जो कॉल आते हैं, एक किस्म से कह सकते हैं आपके खाते को हैक करने के लिए, आपके साथ फ्रॉड करने के लिए, या ये कहें कि कंप्यूटर से हैकिंग से इसका संबंध है, तो सीधी सी बात करते हैं। देखिए, विसिंग शब्द आजकल ये बहुत ज्यादा चला हुआ है। क्या क्या चला हुआ है? विसिंग शब्द जो आपका, ये बहुत ज्यादा चला हुआ है, तो इसका संबंध है, ये साइबर अपराध है। क्या आपका ये है? एक क्या है आपका? साइबर अपराध है। साइबर अपराध अपराध है। देखो, इसको एक बार समझेंगे आप लोग, ठीक है? ये ना केवल एग्जाम के लिए बल्कि लाइफ के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, आपके पास कॉल आती है कि आप जीत चुके हैं 1 करोड़ रुपए, आप जीत चुके हैं 10 लाख रुपए, आपका क्रेडिट कार्ड का ये बढ़ा दिया गया है, आपका एटीएम कार्ड बन के आ रहा है, आपका ये आपका वो, आप अपने इसमें होता क्या है, आप लोगों को सपने दिखा करके, आप लोगों को आपके लिए कुछ बेनिफिट की चीजें बोल करके, आप लोगों से आपका अकाउंट के नंबर लिए जाते हैं। इसके अंदर होता क्या है भाई, एक आपके अकाउंट नंबर लिए जाते हैं, नंबर एक। दूसरा, और इसके अंदर क्या लिया जाता है, इस साइबर अपराध के अंदर आपको तुरंत फोन करने के लिए कहा जाता है, तुरंत फोन कॉल करने के लिए कहा जाता है, ठीक है? एक लिंक पर भी आपको क्या कहा जा सकता है, एक लिंक पर क्लिक करने को कहा जाता है, क्लिक करने को कहा जाता है, यानी कि किसी भी प्रकार से ओटीपी भी आपसे ली जाती है, ओटीपी भी आपसे ली जाती है। देखिए, आपके पास कॉल आएगा, आपको बताया जाएगा कि आप 10 लाख रुपए जीत चुके हैं, आप अपना फोन नंबर, रजिस्टर्ड फोन नंबर से कॉल करें जो बैंक अकाउंट नंबर पे है उससे, या फिर ये समझ लो कि किसी भी तरीके से आप लोगों से, 4-5 चीजें इनकी मेन होती हैं। नंबर एक आपका फोन नंबर, दूसरा ये आपसे आपकी गुप्त जानकारी निकलवाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आपसे पूछेंगे आपकी DOB क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका नेम, पूरा नाम क्या है, पूरा नाम क्या है, किसी भी तरीके से आपकी पूरी की पूरी जानकारी ये लेते हैं। हो सकता है नाम, ये कई बार क्या होता है कि ये आगे वाले आपसे नाम बोलेंगे, हो सकता है आपके कार्ड के नंबर भी, एक आधा आपके कार्ड के नंबर भी, क्योंकि आजकल आपको पता है सारी चीजें आधार से लिंक है, फ्रॉड करने वाले उस चीज को हैक करके आपकी जानकारी, छोटी मोटी जानकारी अपनी तरफ से ये रखते भी हैं, और उसके बाद लास्ट में बोलते हैं कि जब आपको पसंद नहीं है ये चीज, कोई बात नहीं, आपको बोला कि आप ये करिए, वो करिए, आप इसमें क्लिक करिए, फलाना करिए, तो उसके बाद क्या होता है कि आप लास्ट में बोलते कि नहीं, मैंने कुछ नहीं करना, भी मुझे नहीं चाहिए ये चीज, तो आपको बोलेंगे आप इस लिंक पर क्लिक करें, और जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपका अकाउंट साफ, आपका बहुत सारा फाइनेंशियल नुकसान यहां पर हो सकता है। तो यह है विसिंग। विसिंग शब्द चर्चा में, और इसे फिशिंग के नाम से भी जाना जाता है, फिशिंग अपराध भी इसको बोला जाता है, यानी कि मछली को, जैसे जिस प्रकार से मछली को हम दाना डाल करके फंसाते हैं, उसी प्रकार ये साइबर जो अपराधी हैं आपके, साइबर अपराधी किसको फंसाते हैं, आप लोगों को फंसाते हैं। चलिए अगली बात करता हूं, इसमें फोन फेक कॉल आती है आपकी, क्या आती है? फेक कॉल आती है अभी आपके पास, क्या फेक कॉल आती है यहाँ पर। दूसरा क्या होता है, इसके जरिए महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको बताई दी, इसे वॉइस फिशिंग के नाम से भी जाना जाता है, वॉइस फिशिंग भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वॉइस फिशिंग भी इसको बोला जाता है, जो आपका विशिंग की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये सारी की सारी हो सकता है मेल के जरिए, या कह सकते हैं ईमेल के जरिए भी आप लोगों को इसमें फंसाया जा सकता है, और सारी की सारी बातें आपके बीच में है। फिर एक बार सुनेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास का पहला ही क्वेश्चन है, विसिंग शब्द चर्चा में आपका एक कंप्यूटर हैकरों से संबंधित शब्द है, या आपका एक साइबर अपराध है कह सकते हो, आपके खाते को हैक कर लिया जाता है, आपका चाहे वो क्रेडिट अकाउंट है, चाहे आपका वो डेबिट अकाउंट है, किसी भी प्रकार का अकाउंट है, आपको एक फेक फोन कॉल आएगी, उस कॉल के माध्यम से कुछ भी बोल करके वो आप लोगों से आपकी जानकारी, गुप्त जानकारी निकलवाना इनका उद्देश्य होता है, और लास्ट में किसी भी माध्यम से या तो ओटीपी लेना या फिर लिंक पर क्लिक करना,
करना, ये इनका मेन मकसद होता है। लिंक पर क्लिक खास करके इस प्रकार की कॉल के अंदर एक बात बताइए मुझे, अगर जैसे आपके पास एक फोन आया कि भाई आपका ना हम अकाउंट जो क्रेडिट कार्ड है या आपका जो डेबिट कार्ड उसकी लिमिट बढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप अपने कार्ड का नंबर बताइए, आप अपने सीवीवी नंबर, बैंक वाले कभी भी किसी से जानकारी हासिल नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास टोटल जानकारी बैंक वालों के पास आपकी होती है, उन्हें किसी प्रकार की, क्योंकि जब आपका बैंक अकाउंट खुला है तो सारी की सारी जानकारी उनके पास होती है। कहीं भी किसी भी सिचुएशन में किसी भी कार्ड के सीवीवी नंबर आपने नहीं बताने हैं, जब तक आप सीवीवी, तीन चीजें ध्यान रखना, सीवीवी नंबर, नंबर एक, नंबर दो, आप कार्ड के अपने, अगर ठीक है आपने 14 अंकों का नंबर बता भी दिया तो ये नहीं बताना आपने सीवीवी नंबर, तो आपने ओटीपी नहीं बताना है किसी भी कंडीशन में, चाहे कितनी भी इमरजेंसी आ जाए, सीवीवी, ओटीपी। और तीसरी जो बात है वो ये लिंक, किसी भी हालत में किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना है, जिंदगी में बचे रहोगे इस साइबर अपराध से। ये तीन चीजें अगर आप नहीं करते हैं तो बच जाओगे, अगर ये तीन चीजें आप करते हैं तो आप गए, आपको कोई बचा नहीं सकता है। हालांकि बहुत बहुत से बड़े बड़े लोगों, उनकी जो टैक्टिक्स होती है वो अपने तरीके से आपका दिमाग घुमाते हैं और इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि ना चाहते हुए भी ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड जो आप है वो दे देते हैं, लिंक क्लिक कर देते हैं और सीवीवी नंबर दे देते हैं। तो ये किसी भी हालत में नहीं देना है। वो ये बोलेंगे आपका काम फंसा हुआ, आपको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे बस आप ओटीपी बताइए, आपको 20 लाख रुपए मिल जाएंगे बस आप सीवीवी बताइए, आपको बहुत सारा कुछ मिलने वाला है आप लिंक बताइए। तो किसी भी कंडीशन में आपने ये लिंक वगैरह पे क्लिक नहीं करना है, ना ही ये आपने करना है। तो ये आपका जो अपराध है विशिंग शब्द से, जो साइबर अपराध से जुड़ा हुआ है, ये भी आपके बीच में चर्चा का विषय है। तो ध्यान रखना, लोभ हमेशा क्या करता भाई, लोभ हमेशा आपका नुकसान ही देता है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए आप इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। पहला ही क्वेश्चन था, तो साइबर एक प्रकार का आपका साइबर अपराध है। साइबर अपराध की बात करूं तो मैं यहाँ पर साइबर थाना हरियाणा के अंदर सबसे पहले कहां पर खुला था, कमेंट्स करके मुझे जरूर एक बार बताएंगे भाई, ठीक है। साइबर थाने की बात करिए आप, साइबर सिटी किसको बोला जाता है, ये भी आप लोगों के बीच में क्वेश्चन हरियाणा से बन जाता, सीईटी में काम आने वाला क्वेश्चन आता, तो इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो विशिंग शब्द और आपका जो फिशिंग है, इन दोनों चीजों को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर दो आपका जो की चर्चा के अंदर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दो आपको आपका ये है आपका इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021, चर्चा में था आपका पीछे, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 आपका चर्चा में है, यानी कि इनोवेशन, इंडिया इनोवेशन जो इंडेक्स है ये चर्चा में है। इसमें प्रमुख राज्यों में पहले नंबर पर कौन पहुंचा है, इसमें प्रमुख राज्यों में पहले नंबर पर कौन पहुंचा है, साथ ही हम ये बात करें जारी करता कौन है, ये भी आपके बीच में क्वेश्चन यहाँ पर है, काफी बार बन जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं इसकी, प्रमुख राज्यों में पहले नंबर पर, प्रमुख जो राज्य हैं या बड़े राज्यों में, प्रमुख राज्यों में आपका कर्नाटक आपका फिर दोबारा से कह सकते हो कर्नाटक पहला स्थान हासिल किया भी इनोवेशन के अंदर, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में, ठीक है, ओके। दूसरी बात हम यहाँ करते हैं, पहला स्थान हासिल किया, पहले भी इस स्थान को हासिल कर चुका है, पहले भी इस स्थान पर ये इस स्थान पर पहुंचा है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है, ओके। अगली बात करते हैं, जो आपके छोटे राज्य या पूर्वोत्तर राज्य में मणिपुर राज्य भी इसमें छोटे राज्यों में या पूर्वोत्तर के राज्यों में मणिपुर राज्य आपका क्या भी, मणिपुर राज्य पहला स्थान हासिल यहाँ पर किया भी, पहला है मणिपुर भी। साथ ही तीसरी जो कैटेगरी थी वो थी यूटी अब्लिक शहरी राज्य, तो यूटी और आपका कह सकते हो शहरी जो राज्य हैं, शहरी राज्यों में आपका कौन सा प्रसिद्ध है, कौन सा पहले स्थान पर है, तो चंडीगढ़ क्या है आपका भाई, पहले स्थान पर है, या ये याद रखेंगे भाई, चंडीगढ़ कौन से स्थान पर आपका पहले स्थान पर है। इसको, इस इंडिया इनोवेशन जो इंडेक्स है आपको, इसको तैयार कौन करता है आपका, तो नीति आयोग के द्वारा इसको तैयार किया जाता है या जारी करता है, कह सकते हो आप। इस बार कौन सा संस्करण था, ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन आपका बनता है, तो कौन सा संस्करण था भाई ये, इस बार इसका ये तीसरा संस्करण जारी किया गया था, ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा कि कौन से नंबर का संस्करण था, तो तीसरे नंबर का संस्करण था, ये भी आपके बीच में यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता भी, ठीक है।
चली गई, या प्रतिस्पर्धात्मक जो संस्थान नीति आयोग है, प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान के द्वारा इसको जारी किया जाता है। चंडीगढ़ को लेकर के अगर मैं बात करूं, देखिए फूलों की खेती सबसे ज्यादा हरियाणा में, अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा की राजधानी आपको पता है, हरियाणा प्लस पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। तो फूलों की खेती की अगर मैं बात करता हूं, तो फूलों की खेती की बात करें तो गुलाब की सबसे ज्यादा कहां पर, चंडीगढ़ के अंदर होती है। कितनी प्रजातियां पाई जाती है भाई, 1600 प्रजातियां पाई जाती हैं यहां पर, ये भी याद रखेंगे। देश के अंदर देश में व्यवस्थित तरीके से बसा पहला शहर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीएन नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों के शहर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये भी आपका क्वेश्चन शानदार यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। तो चंडीगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपके बीच में अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये याद रखेंगे। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपका चर्चा में है। एक बार क्लास को ना प्लीज शेयर कर दिया करो, जितना हो सकता हो उतना एक बार क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश किया करो भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपसे, ये भी आपका वीएलटीडी वाहन, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। देखिए वीएलटीडी वाहनों को वाहन या गाड़िया वाहनों को ERSS से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा है, ठीक है, राज्य कौन सा है। तो VLTD वाहन आपके ERS से जोड़ने वाला पहला राज्य भी, ठीक है। तो ये क्या है, व्हीकल लोकेशन, जो आपका सबसे पहले इसकी बात करेंगे, ये क्या है, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को किससे जोड़ा गया है, आपका इमरजेंसी रिस्पांस क्या है भाई आपका, ये तो ये आपका भाई इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ा गया है किस राज्य ने। अब देखिए यहाँ पर VLTD की बात हुई है, व्हीकल आपका लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को किससे जोड़ा गया है, आपका इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ा गया है। यानी कि सीधी सी बात करें, जब आपका ये जो व्हीकल है कोई किसी लोकेशन में, वो कोई इमरजेंसी में अगर उसको कोई जरूरत पड़ती है तो सीधा किसके साथ जोड़ दिया गया है, ERSS के साथ इसको जोड़ा गया है। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है यहाँ पर आपका बनता है, यानी कि अब सीधा आपकी पहुंच में है, ये याद रखेंगे भाई। और भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया आपका, हिमाचल प्रदेश ने क्या किया है, हिमाचल जो प्रदेश है इस प्रदेश ने इसे जोड़ा है भाई, HP के द्वारा इनको आपस में कनेक्ट कर दिया गया है, किसके द्वारा, हिमाचल प्रदेश के द्वारा। इमरजेंसी रिस्पांस जो सपोर्ट सिस्टम है वो तुरंत वहां पर पहुंचेगा और लोकेशन के साथ उस जो आपका व्हीकल फंसा है उस लोकेशन पर पहुंचेगा और उसकी जितनी मदद हो सके उतनी मदद करेगा, ये आपका यहाँ पर किया गया है। VLTD सभी वाहनों को जोड़ा जाएगा, याद रखेंगे भाई आपका, जिसमें मैकेनिज्म के जरिए इन वाहनों को भारत में कहीं भी ट्रैक किया जाएगा, किसके माध्यम से ट्रैक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे मैकेनिज्म के माध्यम से पूरे भारत के अंदर कहां पर भाई, पूरे भारत में ट्रैक किया जाएगा, ये आपके बीच में रहेंगे। इसका शुभारंभ किसने किया है, तो CM है जयराम ठाकुर साहब है, इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। सीएम साहब जो है जयराम ठाकुर के द्वारा क्या किया गया है, इसका शुभारंभ किया गया है। शुभारंभ कहां पर, शिमला के पीटर हाफ में किया गया है। कहां पर किया गया, स्थान पूछे तो शिमला भाई, शिमला के पीटर हाफ
पीटर जो हाफ है यहाँ पर इसका क्या किया गया, शुभारंभ किया गया है। फिर एक बार बात करेंगे VLTD आपका जो व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस है ERSS से जोड़ा गया है इमरजेंसी रिस्पांस टीम से, यानी कि अगर आप व्हीकल कहीं फंसेगा तो मैकेनिज्म के माध्यम से उसको ट्रैक किया जाएगा और जो आपका इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम है वो क्या करेगा, उसकी मदद करेगा और उस व्हीकल को वहां से निकालने की कोशिश करेगा। हिमाचल प्रदेश पहला देश का ऐसा राज्य बन चुका जिसने इसको जोड़ा है, ये भी आपके बीच में क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। एक सुना होगा आपने पैनिक बटन, पैनिक बटन को भी जोड़ा गया है, पैनिक बटन भी चर्चा में, इसका संबंध भी कहां से है, हिमाचल प्रदेश से ही है। अब व्हीकल के अंदर जो सार्वजनिक व्हीकल है इन व्हीकलों में एक बटन लगाया जाएगा, सार्वजनिक व्हीकलों के अंदर सार्वजनिक जो व्हीकल है यानी कि जिसमें पब्लिक जो आपकी पब्लिक जो व्हीकल है सार्वजनिक व्हीकलों में क्या होगा, एक बटन होगा। इस बटन इमरजेंसी पड़ने पर यानी कि जरूरत पड़ने पर या कुछ कष्ट होने पर महिला और बच्चे इस बटन को दबाएंगे तो सीधा इस बटन पैनिक बटन को A112 से कनेक्ट किया गया है कनेक्ट सीधा ये 112 के ऊपर सैटेलाइट के माध्यम से आपका क्या पर यहाँ पर पुलिस के पास एक मैसेज पहुंचेगा और पुलिस उस बंदे की हेल्प करेगी। तो जो पैनिक बटन है आपका इसको भी 112 से जोड़ा गया है, सतर्कता सिग्नल भेजा जाएगा और उस फिर उसके बाद पुलिस उसमें उसकी क्या करेगी, मदद करेगी। दो चीजें बहुत बेहतरीन करी है, एक VLTD को आपका ERSS से जोड़ दिया गया है, किसके द्वारा, हिमाचल प्रदेश के द्वारा। हिमाचल प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला आपका स्टेट बन चुका है। जयराम ठाकुर ने शिमला के अंदर कहां पर आपके पीटर हॉक के अंदर इसका क्या उद्घाटन किया है। एक साथ में यहां पर पैनिक बटन भी चर्चा में है जो हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक जो व्हीकल आपके ट्रेन बस के अंदर ये लगाया जाएगा और उस पर किसी भी स्थिति में जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई महिला किसी मुसीबत में है या कोई बच्चा किसी मुसीबत में है तो उस बटन को दबाएगा तो सीधा मैसेज सैटेलाइट के माध्यम से 112 के जरिए 112 नंबर जो है आपका वहां पर सिग्नल पहुंच जाएगा और पुलिस उस लोकेशन को ट्रेस करके वहां पर पहुंच जाएगी और उसकी मदद करेगी। ये भी आपके बीच में यहां पर क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, ये जो था बेहतरीन क्वेश्चन था भाई, इससे जुड़े यानी कि मैं बच्चों के लिए ऑपरेशन मुस्कान चलाया था, किसने चलाया था, ये भी ऑपरेशन मुस्कान, ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन सजग, ऑपरेशन सहेली, ये ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते की बात करूं, ऑप्शन सहेली की बात करूं, उसके साथ आपका ये चलाए गए थे किसके, रेलवे के द्वारा हरियाणा के अंदर खोए हुए बच्चों को उसके पेरेंट्स से मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया था, ये भी आपके बीच में कह सकते हो आप मदद करने के टाइप की जो आपके, चलिए भाई मदद करने के टाइप की आपकी जो ऑपरेशंस हैं उनके नाम थे भाई। चलिए अगला आपका श्रमवीर नारी योजना, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका भाई, श्रवण वीर नारी योजना आपकी चर्चा में है, श्रवण वीर नारी योजना चर्चा में है भाई, इसका संबंध कहां से है ये आप लोगों से पूछेगा, श्रवण वीर नारी योजना। चलिए इसकी बात करते तो सीधी सी बात है, इसका संबंध किससे भाई, असम से है। असम सरकार ने इस नाम से एक पोर्टल जारी किया है, क्या करेंगे भाई यहाँ पर, ये इस पोर्टल के माध्यम से, तो इस पोर्टल के माध्यम से क्या भाई, जो मूल बुनकर हैं, जो आपके करगा बुनकरों के हथकरघा जो मूल बुनकर हैं, हथकरघा जो मूल बुनकर हैं किस प्रकार के आपके भाई मूल बुनकर हैं उनसे जोड़ेगा आपका ये जो श्रमवीर नारी योजना है, हथकरघा मूल बुनकरों से जोड़ेगा, किसके द्वारा किया गया है, बुनकरों से इसको क्या करेगा जोड़ेगा, ये आपके बीच में अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। असम के द्वारा इस चीज को लॉन्च किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है अगर मैं बात करूं तो श्रमवीर नारी का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है जो लोग हथकरघा यानी कि जो ये कपड़े बुनते थे या मूल रूप से जिनका ये पैसा रहा है, इनके बीच से सरकार वे इनके मध्य बुनकरों के मध्य बुनकरों के मध्य बुनकरों
कि जो मध्य है कह सकते हो आप, बुनकरों के मध्य जो बिचौलियों होते थे या जो दलाल होते थे, बिचौलियों को समाप्त करना, बिचौलियों को क्या करना, समाप्त करना, समाप्त करना इसका उद्देश्य है। यानी कि अब आप इस पोर्टल पे जाकर के अपना जो हाथ से बुना हुआ माल है वो बेच सकते हैं। यानी कि सीधा सा क्या है, डायरेक्ट बिचौलियों को समाप्त किया जाएगा। अब जो बीच में दलाल आते थे कि हम बिकवा देंगे आपका सामान, अब नहीं, पूरा बेनिफिट इन लोगों को देने के लिए, इनकी पूरा लाभ देने के लिए, किसम से कह सकते हो पूरा लाभ इनकी मेहनत का देने के लिए, पूरा लाभ देने के लिए, देने के लिए इसका क्या किया अभी, इसका लॉन्च किया है असम के द्वारा, इसे लॉन्च किया गया। अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि जो मूल रूप से बुनकर हैं, इनकी दूसरा उद्देश्य हम यहाँ पर एक और भी कह सकते हैं, इनकी आर्थिक मायने, आर्थिक मदद करना भी कह सकते हो आप, आर्थिक मदद करना भी आप अपनी तरफ से इसको कह सकते हो, ये भी सरकार का क्या रहा है, उद्देश्य रहा। चलिए भाई यहाँ पे हम बात करते हैं एक बार असम की थोड़ी सी। तो असम में वैभव पुरस्कार दिया गया अभी हाल ही में, असम वैभव पुरस्कार, वैभव पुरस्कार किन्हीं दिया गया था, पुरस्कार की अगर मैं बात करूं तो ये आपका किसको, रतन टाटा को दिया गया था, रतन टाटा को दिया गया था, ये भी आपके बीच में क्वेश्चन है बन जाएगा। ठीक है, सीधा सा बात करें तो ये हो गया आपका क्या, पोर्टल के माध्यम से। तो नारी योजना क्या आपकी, इस नाम से आपका पोर्टल है, डायरेक्ट गवर्नमेंट से जुड़ेंगे और जो बुनकर लोग हैं वो अपना पूरा बेनिफिट अपनी मेहनत का लेंगे भाई। ठीक है, चलिए कहां दूसरी बात करें, अंबुबाची मेला कहां पर आपका है, अंबुबाची मेला जो प्रसिद्ध था, अंबुबाची जो मेला है ये मेला भी कहां का, असम का है। बिहू नृत्य की बात करें, बिहू नृत्य भी आपका कहां पर है, असम का है। सीधी सी बात करें और आपका शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन जो संयंत्र है आपका, संयंत्र ये भी आपका कहां का है, असम का ही है। जलमार्ग जो कॉन्क्लेव है, कॉन्क्लेव की स्थापना भी आपकी कहां पर, यहीं पर है। अगला एक नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप, मोबाइल नाइट नेविगेशन भाई, नाइट नेविगेशन ऐप भी आपकी कहां पर चलाई गई है, असम के अंदर ही चलाई गई है, ये भी आपका यहां पर क्वेश्चन है बन जाएगा, नदियों के लिए भी। ठीक है, चलिए पर्यटन जो संजीवनी योजना, पर्यटन संजीवनी योजना भी आपकी कहां की है, तो ये भी आपकी असम की ही है। पर्यटन संजीव योजना भी कहां की, आपकी असम की ही है। और अभी हाल ही में असम के सीएम साहब से किस पीएम ने मुलाकात करी थी, तो बांग्लादेश के पीएम ने इसके साथ मुलाकात करी थी, ये भी आपका क्वेश्चन अच्छा यहाँ पर बन जाएगा भाई। ठीक है, चलिए एक बार अच्छा क्वेश्चन है भाई आपका, मतलब जो आपके मूल बुनकर है उन बुनकरों को क्या, उनकी मदद करने के लिए असम सरकार की योजना लेकर आई है, स्वर्णवीर नारी योजना, ये पोर्टल है, इस पे आप सीधा डायरेक्ट अपना लिंक करके सरकार से जुड़ सकते हैं, हाथरका मूल बुनकरों को बेनिफिट देने के लिए, पूरा रेट देने के लिए, बिचौलियों को काटने के लिए, ये पूरा का पूरा यहाँ पर है। थोड़ी सी बात करी थी हमने किसकी, असम की। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 5। अच्छा क्वेश्चन था भाई, इसको भी आप ना शेयर कर सकते हैं अगर चाहे तो। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है, और भी बहुत सारी चीजें हैं असम के लिए। असम में बाढ़ कोसी नदी लेकर के आई थी, तो आपको पता है असम के अंदर बाढ़ ब्रह्मपुत्र नदी लेकर के आती है, ये भी आपके बीच में क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपका भाई। तो ये है आपका भाई, अभी हाल ही में आपका नामिया चर्चा में है, नामीबिया चर्चा में है, क्यों नामीबिया चर्चा में है, तो क्यों है नामीबिया, सबसे पहले तो ये नामीबिया है क्या भाई। ठीक है, ओके, हम बात करेंगे नामीबिया चर्चा में है, तो नामीबिया चर्चा में क्यों है तो बता देता हूं, अभी काफी दिन से बड़े लंबे प्रोसेस के बाद भाई, लंबे जो प्रोसेस है, प्रोसेस के बाद भारत में क्या आ रहे हैं आपको पता है, भारत में चीते लाए जा रहे हैं, क्या लाए जा रहे हैं, चीते लाए जा रहे हैं याद रखेंगे। तो कहां से लाए जा रहे हैं, नामीबिया से, ये देश है भाई, ये क्या है, देश है नामीबिया, देश से क्या लाए जा रहे हैं भारत के अंदर, चीते, भारत में चीते कहां पर लाए जा रहे हैं,
तो एमपी के राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जल्दी से मुझे कमेंट करके उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताएंगे। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ये लाए जा रही है, नेशनल पार्क, कुन्नूर नेशनल पार्क के अंदर ये आपके लाए जा रहे हैं। क्या कितनी चीते, संख्या में कितने बने, नाम भी ऐसे, कितनी चीते लाए जा रहे हैं आपके, 8 चीते यहाँ पर लाए जा रहे हैं, याद रखना भी। कितनी चीते लाए जा रहे हैं आपके, तो 8 चीते यहाँ पर लाए जा रहे हैं। चीता एक लुप्त प्राणी है, कह सकते हैं लुप्त प्राय जाति, प्रजाति बन चुकी है भारत के अंदर। इनको बचाने के लिए कह सकते हो भारत के अंदर एक लंबे प्रोसेस के बाद 8 चीते लाए जा रहे हैं, और इनके स्वागत की पूरी तैयारी उस नेशनल जो पार्क आपका एमपी के अंदर कर दी गई है। यहाँ पर वो सारी जो सिचुएशन है, सारी जो चीजें हैं जो एक चीते को चाहिए, स्वाभाविक रूप से वो चीजें यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है। जैसे कि चीता सबसे पहले जहां पर पहुंचता है, तो सबसे पहले जो नर चीता होता है वो चीता क्या करता है, अपने लिए ऊंची जगह तलाशता है। तो वहां पर कुछ पहाड़ी टाइप में है, वहां पे जो आपका कन्नूर जो आपका कह सकते हो नेशनल पार्क है, उसके अंदर एक हाइटेड जगह भी, लोकेशन भी रखी गई है, ताकि चीता वहां जाकर के चारों तरफ देख करके अपने लिए जगह चुनेगा। उसके बाद फिर उस सेफ जगह का चुनाव करने के बाद फिर वो वहां पर निवास करता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर अगर मैं चीते की बात करूं, तो दुनिया में ये भारत के अंदर लुप्त हो चुका था भाई, और दुनिया में भी लुप्त हो रहा है प्राणी है। दुनिया में भूमि पर सबसे तेज गति से जो गति है, तेज गति से दौड़ने वाला प्राणी भी यही है भाई। दौड़ने वाला प्राणी कौन सा आपका, यही है। ये 60 किलोमीटर पर आवर से ऊपर दौड़ सकता है भाई, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा ये आपका चीता है दौड़ सकता है। ये किसके ऊपर जिंदा रहता है, तो ये मांस के ऊपर जिंदा रहता है। तो वहां पर जो आपका कन्नूर नेशनल पार्क है, वहां पर क्या किया गया है, वहां पर आपका कह सकते हैं हजारों की संख्या में हिरण है, जो चीते के भोजन के रूप में वहां पर वो पाले गए हैं। ठीक है, पानी की व्यवस्था भी है जगह जगह चीतों के लिए, वहां पर उस जो एमपी का जो नेशनल पार्क है उसके अंदर पानी की व्यवस्था भी की गई है एक किस्म से कह सकते हैं। तो नामीबिया है ये चर्चा में किस लिए, तो ये आपको मैंने बता दिया। यहां से भारत के अंदर चीते लाए जा रहे, कितने चीते लाए जा रहे, 8 चीते लाए जा रहे, तो ये भी आपका चर्चा का विषय है। सीता सब पूछेगा किस स्टेट में लाए गए, तो आपको पता है सबसे ज्यादा टाइगर कहां पर पाए जाते हैं, ये भी आपको मालूम है। टाइगर स्टेट के नाम से किसको जाना जाता है, ये भी आपके बीच में क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। तो एमपी भी आपका इन सभी क्वेश्चनों का जवाब है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बियॉन्ड द मिस्ट विल, आपकी चर्चा में पुस्तक चर्चा में कौन सी आपकी, बियॉन्ड द मिस्टी विल चर्चा में है ये भाई आपकी, क्या बियॉन्ड द मिस्टी विल पुस्तक है, या आपको सबसे बता दूं पुस्तक चर्चा में है। ठीक है, बियॉन्ड द मिस्टी विल पुस्तक के लेखक कौन है, तो एक रिटायर्ड आईपीएस पूर्व आईएएस ऑफिसर्स हैं और अभी हाल ही में चर्चा में भी हैं। तो ठीक है, इसके लेखक की बात करें तो आराधना जौहर है भाई। लेखक की अगर मैं बात करता हूं तो लेखक कौन है, आराधना जौहर क्या है भाई, लेखक हैं, और ये क्या है, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, याद रखेंगे अधिकारी हैं। ठीक है, ओके। इस पुस्तक का संबंध किससे है, तो आपके उत्तराखंड के जो मंदिर हैं, मंदिरों से संबंधित पुस्तक आपकी संबंधित पुस्तक है, ये याद रखेंगे। यानी कि उत्तराखंड के जो मंदिर हैं, उन मंदिरों से संबंधित आपकी ये पुस्तक है, मंदिरों पर आधारित पुस्तक है कह सकते हो। ठीक है, और अभी इसका जो विमोचन किया है, ये पुष्कर धामी ने विमोचन किया है, किसके द्वारा, तो आपके यूके के जो सीएम साहब है, सीएम कौन है, पुष्कर धामी द्वारा क्या किया गया, इसका विमोचन किया गया है, विमोचन। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है, ध्यान रखेंगे भी। ठीक है, यहाँ पर बियॉन्ड द मिस्ट विल पुस्तक की हमने बात करी है, तो इस पुस्तक के रचयिता कौन है, इसके लेखक कौन है, तो आराधना जौहर है, ये आपके पूर्व आईएएस हैं, और ये मंदिरों पर आधारित है, यानी कि मंदिरों से जुड़ी पुस्तक है, मंदिरों के बारे में इस पुस्तक के अंदर काफी जानकारी दी गई है। ये भी आप लोगों के बीच में अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है, यूके के मंदिरों के बारे में, और पुष्कर धामी जो सीएम साहब है उन्होंने इसका क्या किया है, विमोचन किया है, ये आपका अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। एक पुस्तक और थी आपके भी, स्ट्रेटेजी टू स्टार्ट अप फॉर सक्सेस, एक पुस्तक है आप लोगों के लिए विशेष तौर पे है भाई आपका, ये स्ट्रेटेजी टू स्टार्ट अप
फॉर सक्सेस। तो इसके कौन है आपके, धरती बनर्जी, धरती शाह, सॉरी धरती शाह इसके क्या है, देखा कि ये भी पुस्तक आपकी क्या थी, चर्चा के अंदर थी, ये भी आप लोगों से पूछे जाने वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 की हम यहाँ पर बात करेंगे। एक क्वेश्चन आपका मिशन बुनियादी आपका चर्चा में, ठीक है, कौन सा मिशन बुनियादी आपका चर्चा में, उसको लेकर के भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका मिशन बुनियादी में, मिशन बुनियादी बुनियादी चर्चा में है, कौन सा क्वेश्चन आपका मिशन बुनियादी चर्चा में भी, मिशन बुनियादी को लेकर के मैं बात करता हूं। चलिए अच्छा क्वेश्चन भी आपका यहां से पूछे, इसे क्या इस मिशन को क्या किया गया है, सबसे पहले तो ये इस चर्चा में इसे बढ़ाया गया है, बढ़ाया गया है इसलिए चर्चा में है, क्या हुआ है इसको बढ़ाया गया है। दूसरा क्वेश्चन, ये किसके द्वारा बढ़ाया गया, इसे दिल्ली सरकार के द्वारा भी, दिल्ली जो सरकार है, दिल्ली सरकार की थी, दिल्ली सरकार के द्वारा, सरकार के द्वारा इसे बढ़ाया गया है, ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। जब दिल्ली सरकार की अगर हम बात करते हैं, दिल्ली की बात आती है, तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें तो अभी हाल ही में मिशन, जब मिशन की बात आ रही है तो मिशन कुशल कर्मी, कौन सा भी आपका मिशन कुशल कर्मी जो आपका था, यानी कि जो आपके भवन निर्माण वाले जो आपके कर्मचारी हैं, कर्मी, मिशन कुशल कर्मी की अगर मैं बात करूं तो ये भी कहां पर, दिल्ली के अंदर थी, दिल्ली सरकार ने इसको चलाया था, और 15 दिन की ट्रेनिंग इसमें मजदूरों को दी जाएगी, ट्रेनिंग मजदूरों को दी जाएगी, और इस ट्रेनिंग के दौरान 4200 रुपए मजदूरों को मानक दिए जाएंगे भाई, ठीक है। मिशन कुशल कर्मी का संबंध भी आपका कहां से है, तो आपका ये भी दिल्ली से ही है, ये भी आपके बीच में अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। दूसरी, पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन, यहाँ पे नोट यहीं पे कर रहा हूं, पशु स्वास्थ्य शिखर जो सम्मेलन है, शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भी, सम्मेलन का जो उद्घाटन है ये भी आपका कहां पर किया गया है, दिल्ली के अंदर किया गया है। सबसे बड़ा शॉपिंग दिल्ली के सीएम द्वारा क्या, सबसे बड़ा शॉपिंग जो आपका शॉपिंग पूछे आपका शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा, शॉपिंग फेस्टिवल फेस्टिवल भी आपका कहां पर है, ये भी आपका दिल्ली के अंदर ही है, ठीक है, ओके। उसके बाद करते हैं 44वें शतरंज, यहाँ पे अभी आपका आ जाओ, 44वां जो ओलंपियाड शतरंज ओलंपियाड का जो क्या आपका भाई 44वां शतरंज जो ओलंपियाड है उसकी जो ऐतिहासिक मसाल है उसको भी यहीं से स्टार्ट किया गया है, ओलंपिक का शुभारंभ भी यहीं से किया गया, मसाल का ऐतिहासिक ओलंपियाड ऐतिहासिक जो मसाल है, मसाल का जो शुभारंभ भी आपका यहीं से किया गया है, दिल्ली से भी, ठीक है। चलिए अगला आ जाता भी है आपका, दिल्ली की जो आपकी राजधानी है इसे कब बनाया गया था, तो 1912 में इसे राजधानी बनाया गया था, 1911 में इसकी घोषणा हुई थी, और कल दिल्ली की जो रायसीना जो हिल्स पर आपका राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन में कौन पहुंच चुकी है, राष्ट्रपति भवन के अंदर है, तो आपकी द्रौपदी मुर्मू आपकी पहुंच चुकी है, फर्स्ट आदिवासी महिला के रूप में उन्होंने अपनी जीत हासिल करी है, 577,777 वोटों से उनको जीत हासिल हुई है। जब राष्ट्रपति का जिक्र आया है तो सबसे कम वेल्यू आपके कहां के वोटों की थी, सिक्किम के वोटों की वेल्यू थी, कुल कितनी थी, 07 वेल्यू यहां पर रखी गई थी, ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 मिशन बुनियादी चर्चा में मैंने आपको बताया था, हाँ एक क्वेश्चन बनता है, मिशन बुनियादी का प्रारंभ कब किया गया था, जो इसको आगे बढ़ाया गया है, तो मुझे जल्दी कमेंट्स करके ये भी बताएंगे कि सर मिशन बुनियादी को कब प्रारंभ किया गया था, और इसके अंदर होता क्या है, यानी कि बुनियादी ढांचे को तैयार करने के लिए आप इसको कह सकते हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका रतन इंडिया पावर चर्चा में है, आपका क्वेश्चन नंबर 8 रतन इंडिया पावर चर्चा में है, चर्चा में है भाई, चर्चा में
ये क्यों चर्चा में रतन इंडिया पावर बता देता हूं आपको, एक ये निजी बिजली कंपनी आपकी क्या भाई, आपकी एक निजी बिजली कंपनी है। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ बता के जाने वालों में आपको, तो याद रखेंगे निजी बिजली कंपनी है, बिजली बिजली कंपनी है ये आपकी, ठीक है ओके। उसकी बात करते हैं चर्चा में क्यों है, तो ब्रजेश गुप्ता को एमडी रतन इंडिया पावर को क्या किया गया भाई, निजी बिजली कंपनी है तो इनको क्या चुना गया है, ब्रजेश जो आपके किसी भी आपका एमडी चुना गया है, इसके इसके जो एमडी बनाया गया किसे, ब्रजेश गुप्ता को भी, ब्रजेश जो गुप्ता है इनको एमडी बनाया गया है इसका, याद रखेंगे ठीक है। चलिए कुछ जो नए लोग हैं उनकी जो आपके बीच में मैं यहाँ पर बात कर देता हूँ। रतन टाटा, रतन को अभी हमने बात करी थी, तो जो रतन टाटा है, रतन टाटा को क्या दिया गया था, रतन टाटा को असम वैभव पुरस्कार, असम वैभव पुरस्कार दिया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। एक एक लखटकिया गाड़ी निकाली थी उन्होंने, नैनो, नैनो सबसे सस्ती, सबसे सबसे सस्ती कार भारत में निकालने वाले कौन थे आपके, नैनो निकाली थी, जो कि 20-22 किलोमीटर के एवरेज देती थी 1,00,000 रुपए के अंदर पूरे परिवार के साथ घूमने फिरने के लिए इन्होंने एक कार निकाली थी। किसके द्वारा निकाली गई थी, तो टाटा के द्वारा निकाली गई थी। चलिए भाई अगली बात करते हैं, IFAD के कार्यकारी अध्यक्ष किसे, अल्वारो लारिया को, किसको चुना गया है कार्यकारी अध्यक्ष की बात करें, कार्यकारी अध्यक्ष कौन चुने गए मेरे आपके, ये अल्वारो अल्वारो लारिया हैं जिनको ये चुना गया, अल्वारो लारिया भाई, कौन आप ये, अल्वारो लारिया को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर गोवा सीपीआर के अध्यक्ष भी, गोवा जो सीपीआर है, सीपीआर के अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो ये आपके, ये भी आपके गोवा सीपीआर के अध्यक्ष की अगर मैं बात करता हूं, ये मुझे एक बार आप लोग बताएंगे गोवा सीपीआर के अध्यक्ष कौन है, तो ये भी आपके ब्रजेश कुमार अभी, ब्रजेश कुमार है और वो ब्रजेश गुप्ता भी, याद रखेंगे ठीक है। चलिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो आपके कह सकते हैं, तो ये कौन आपके, राजेंद्र प्रसाद एमडी जो चुने गए हैं, ये कौन आपके, राजेंद्र प्रसाद भी, नेशनल हाई स्पीड आपका रेलवे कॉरपोरेशन, हाई स्पीड रेलवे कॉरपोरेशन, साथ में आपका एसोसिएशन एंड जो आपके यूनिवर्स सेबी के निदेशक की बात कर लो आप, सेबी के जो निदेशक हैं, सेबी के निदेशक किसे चुना गया, तो प्रमोद, प्रमोद राव को सेबी का निदेशक भाई। बीसीसीआई के नए एथिक्स जो अधिकारी हैं आपके, विनीत, बीसीसीआई के नए अधिकारी आपके कौन है, विनीत शरण भाई, विनीत शरण को चुना गया है, ये भी याद रखेंगे ठीक है। भारतीय उद्योग परिषद के अध्यक्ष कौन है, आर दिनेश, भारतीय भारतीय उद्योग जो परिसंघ है इसके अध्यक्ष कौन है, तो आपके ये हैं आर दिनेश भाई, आर दिनेश इसके क्या है, परिसंघ के अध्यक्ष, ये भी आपके। अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता है, स्क्रीनशॉट वगैरह जो आपने लेना है ले सकते हैं भाई, बेहतरीन क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आप लोगों से पूछे जाने की संभावना रहेगी ठीक है। एक बार आप लोग शायद स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, एक और क्वेश्चन आपके बीच में बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ जाएगा, इसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। एक क्वेश्चन है आपका भाई संजय अग्रवाल चर्चा में, आपके क्वेश्चन नंबर 9 कौन चर्चा में आपके, संजय अग्रवाल साहब चर्चा में है, तो ये क्यों चर्चा में, इनके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। संजय अग्रवाल, कौन चर्चा में आपके, संजय अग्रवाल, क्वेश्चन नंबर 9 भाई आपका, संजय अग्रवाल अग्रवाल चर्चा में है, तो सबसे पहले तो ये संजय अग्रवाल चर्चा में है क्यों, आपने देखा होगा पीछे किसान बिल को लेकर के काफी कुछ हंगामा हुआ था, तकरीबन 1 साल तक आंदोलन चले थे, और उस आंदोलन के बाद क्या हुआ था, उस बिल को वापस लिया गया और एमएसपी पर बात की गई है ना, तो उस एमएसपी के केस को सुलझाने के लिए, एमएसपी के जो केस है उसको सुलझाने के लिए, एमएसपी का निर्धारण करने के लिए, या जो किसानों के द्वारा जो मांग रखी गई थी उस पर चिंतन और मनन करने के लिए एक संजय अग्रवाल समिति का गठन किया गया। ये क्या आपका भाई, एमएसपी के लिए, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए आपका क्या किया गया, के लिए संजय आपका
संजय अग्रवाल अग्रवाल समिति का क्या किया गया, समिति का गठन किया गया है जो किसानों के लिए क्या करेगी, काम करेगी। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? सबसे पहले तो ये संजय अग्रवाल समिति का गठन एमएसपी के लिए किया गया है। अब बात आती है इसके अध्यक्ष की, तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो ये संजय अग्रवाल है। संजय अग्रवाल अग्रवाल क्या है, इसके अध्यक्ष हैं। अब इसके अंदर और कौन शामिल होंगे अन्य सदस्यों में, तो नीति आयोग के सदस्य कौन, रमेश चंद। नीति आयोग के सदस्य कौन है आपके, नीति आयोग आयोग जो है इसके सदस्य हैं रमेश चंद, रमेश चंद इसके अंदर शामिल है भी, रमेश चंद आपके क्या है, शामिल है। दूसरे में यहाँ पर बात करते हैं IIM हैदराबाद के प्रोफेसर है, IIM आपका अहमदाबाद, अहमदाबाद के प्रोफेसर हैं। बाद प्रोफेसर कौन आपके, प्रोफेसर सुखपाल भी, प्रोफेसर सुखपाल, सुखपाल भी आपके क्या है इसके अंदर शामिल है। अगली बात मैं यहाँ पे नोट करूंगा भाई, याद रखना, देखिए यहाँ से इसके बाद हम यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करें किसान उर्वरक सहकारी समिति के अध्यक्ष दिलीप सिंघवी साहब है, दिलीप जो सिंघवी साहब है, दिलीप दिलीप सिंघवी सिंघवी साहब जो हैं, ये भी संधानी कह सकते हो, दिलीप संधानी सॉरी भी दिलीप संधानी संधानी हैं, ये भी आपके इसके अंदर शामिल हैं। ये किसान और उर्वरक से भारतीय किसान उर्वरक के अध्यक्ष भी, किसान विभाग के सचिव, अगला आपका क्या कृषि विभाग के सचिव भी इसके अंदर कौन, सचिव, ये नाम मुझे बताएंगे कि कृषि विभाग के सचिव है कौन जो इसके अंदर शामिल है। खाद्य उपभोक्ता मामलों के सचिव, खाद्य उपभोक्ता मामलों के जो सचिव हैं, मामलों के सचिव भी इसके अंदर आपके शामिल है। ये भी अच्छा, सहकारिता और कपड़ा सचिव, सहकारिता और कपड़ा सचिव भी इसके अंदर शामिल रहेंगे, ये भी आपके बीच में यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है। चलिए सिक्किम कर्नाटक आंध्र प्रदेश उड़ीसा राज्य के प्रतिनिधि, सचिव की बात करी मैंने कृषि विभाग के सचिव, ठीक है, उसके बाद मैंने खाद्य विभाग के सचिव की बात करी है, ठीक है, साथ में हमने सहकारिता और कपड़ा विभाग के सचिव की बात करी, तो इन सचिवों के नाम आप लोगों को मालूम होना चाहिए। संजय अग्रवाल समिति आप एमएसपी पर काम करेगी, ये कितना इसका निर्धारण करना, जो किसानों की मांग थी उसके ऊपर काम करने के लिए एक समिति बनाएगी, जिसको किस नाम से जानेगा ये आपके बीच में है, और पूरा का पूरा जो ड्रामा था ये आप लोगों को पता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका चर्चा के अंदर क्वेश्चन नंबर 10, और चर्चा के अंदर क्या है आपका, ये भी आप समझ सकते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन भी आपका, जिसे मैं कल कराने वाला हूं, बट इतना सा क्वेश्चन आपको छोड़ देता हूं। क्वेश्चन है AI आधारित लोक अदालत, क्वेश्चन नंबर 10 आपका, चलो AI आधारित लोक अदालत कहां पर लॉन्च की गई है इतना बता देता हूं, ठीक है। बस अब सुनना मेरी बात, आपको पता है अदालतों की कार्रवाई में समय लगता है, आप ये भी जानते हैं कि बड़ा लंबा टाइम लगता है। अगर मैं ये बात करूं जितने पूरे देश के अंदर, अगर जितने कोर्ट हैं उनके कोर्टों के अंदर जो केस हैं वो इतने केस पेंडिंग है, अगर पूरे के पूरे केसों का फैसला सुनाया जाए लगातार काम करके भी, तो 324 वर्ष आपके लग जाएंगे। तो AI बेस्ड, यानी कि अब आप क्या AI बेस्ड लोक अदालत की यहाँ पर बात करें, यानी कि फैसलों में तेजी लाने के लिए केसों का जल्दी निपटारा करने के लिए समाप्त करने के लिए, तो आपकी किसने लॉन्च करी है, तो राजस्थान द्वारा इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया है। एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन की फिर देंगे। चलिए उज्जवल परिवार की तरफ से भाई आप लोगों के बीच में बेहतरीन क्लास इसी प्रकार से हम लेकर के आते रहेंगे, आप क्लास को शेयर किया करिए, शेयर करें, ये हमारी रिक्वेस्ट उज्जवल परिवार की तरफ से आप लोगों के बीच में रहेगी और है भी और करते भी आ रहे हैं। चलिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट। किसी का कोई इशू है, कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों ने करना है, तो आप लोग मेरे से डायरेक्ट जो आपको पता है 7 जो आपका व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप कॉल करके, व्हाट्सएप कॉल करके, या आप मैसेज करके, या आप यूट्यूब के ऊपर मैसेज करके एक बार जरूर ट्राई करेंगे, आपका 100% हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। चलिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।